हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आओ हिंदी सीखें। हम लोग कर रहे हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज क्लास 8 का आरडी शर्मा की बुक से एक्सरसाइज 6.4 कर रहे हैं और क्वेश्चन नंबर 28 का सिक्स्थ पार्ट करेंगे हम। 20th क्वेश्चन हम लोग क्वेश्चन नंबर कर रहे हैं हम लोग, और उसके 5 पार्ट्स हमने कर लिए हैं इसके लास्ट वीडियो में, और अभी हम सिक्स्थ और आगे के कुछ पार्ट्स करेंगे। ठीक है, सिंप्लीफाई करना है आपको। पिछले वीडियो में भी हमने सिंप्लीफाई ही किया था, आपने देखा होगा। बहुत इजी है सिंप्लीफाई करना और बहुत इंटरेस्टिंग भी है। चलिए करते हैं। यहाँ पे मल्टीप्लाई दिख रहा है, बस जैसे जहाँ जो दिख रहा है वो आपको करते जाना है। मल्टीप्लीकेशन, सब्ट्रैक्शन, एडिशन, जो भी दिख रहा है। यहाँ पे मल्टीप्लाई दिख रहा है तो हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। ए बी हो जाएगा, फिर ए से इसमें कीजिए तो माइनस ए सी हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा प्लस का बी सी, और माइनस बी ए हो जाएगा, यहाँ प्लस सी ए हो जाएगा, और फिर यहाँ माइनस सी बी हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं अब क्या कर सकते हैं। मल्टीप्लाई तो हमने कर दिया, और कुछ एडिशन सब्ट्रैक्शन भी हो सकता है क्या। यहाँ पे दिख रहा है आपका प्लस का ए सी और सॉरी माइनस का ए सी, और यहाँ है प्लस का सी ए यानी ए सी। तो ये और ये तो कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि दोनों प्लस माइनस है। अगर आप माइनस करोगे तो जीरो ही आने वाला है। और फिर यहाँ पे हमें दिख रहा है माइनस सी बी और यहाँ पे प्लस बी सी, ये भी दोनों कैंसिल हो जाएगा प्लस माइनस। अच्छा, ये भी कैंसिल हो रहा है, प्लस का ए बी और माइनस का ए बी। ओ, तो इसके आंसर तो इसका आंसर तो जीरो हो गया, है ना। सारे कैंसिल हो गए, मतलब सारे माइनस हो गए एक दूसरे से, तो जीरो आंसर आ गया। चलिए कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। और यहाँ पे भी हमें सबसे पहले मल्टीप्लाई दिख रहा है तो मल्टीप्लाई कर लेंगे। फोर ए बी इंटू ए हो जाएगा, माइनस फोर ए बी इंटू बी हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा माइनस सिक्स ए स्क्वायर इंटू बी, और माइनस माइनस प्लस लिख लीजिए, प्लस सिक्स ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर, यहाँ पे माइनस थ्री बी स्क्वायर इंटू टू ए स्क्वायर, बहुत लंबा जा रहा है। और ये माइनस माइनस प्लस यहाँ कर लेते हैं, प्लस का हो जाएगा थ्री बी स्क्वायर इंटू ए, अब ये वाला भी बाकी है तो प्लस टू ए बी इंटू बी, और यहाँ प्लस माइनस माइनस टू ए बी इंटू ए। ठीक है, थोड़ा ध्यान से कीजिएगा। यहाँ हो जाएगा आपका फोर ए स्क्वायर बी माइनस फोर बी स्क्वायर ए, और यहाँ हो जाएगा माइनस सिक्स ए स्क्वायर बी प्लस का सिक्स ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ माइनस टू थ्री जा सिक्स, माइनस का सिक्स ए स्क्वायर बी स्क्वायर। फिर ये वाला करेंगे हम, तो ये हो जाएगा आपका प्लस थ्री ए बी स्क्वायर, फिर ये बचा है हमारा, यहाँ ले लेते हैं प्लस का टू ए बी स्क्वायर और माइनस का टू ए स्क्वायर बी। ठीक है ना, कुछ छूटा तो नहीं, ध्यान से देख लीजिएगा आप भी। अब देखते हैं क्या क्या कैंसिल हो सकता है। सबसे पहले तो यहाँ दिख रहा है हमें प्लस का सिक्स ए स्क्वायर और माइनस का सिक्स ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ये कैंसिल कर लेते हैं। अब बचा हमारे पास माइनस का फोर बी ए बी स्क्वायर ए और बी स्क्वायर। ओके, यहाँ तो बहुत सारे हैं, अब सारे को सेम टर्म को एक साथ लाना पड़ेगा। यहाँ दिख रहा है आपका ए स्क्वायर, एक राउंड और हमें लिखना पड़ेगा। फोर ए स्क्वायर बी हम एक साथ ले लेते हैं, और इसे ले लेते हैं माइनस सिक्स ए स्क्वायर बी। चलिए ये हमने लिख लिया, ये लिख लिया, अब कौन सा बचा, एक ये बचा माइनस टू ए स्क्वायर बी, हमने ए स्क्वायर वाले लिख लिए। अब आते हैं, ये भी लिख लिया, अब बी स्क्वायर पे आते हैं तो माइनस फोर बी स्क्वायर ए, ये लिख लिया हमने। अब बचा क्या, ये बचा तो प्लस का थ्री बी स्क्वायर ए ही कर लेते हैं, और फिर ये बचा प्लस का टू बी स्क्वायर ए। ठीक है ना, ध्यान से समझिएगा, कुछ भी रहना नहीं चाहिए बाकी।
अब देखते हैं यहाँ पे ये दोनों माइनस माइनस हैं तो प्लस हो जाएगा, यानी कि ये प्लस माइनस का 8a² हो जाएगा और ये प्लस का 4a² भी है, तो माइनस कर लेंगे अगर तो हमारे पास बचेगा माइनस का 4a² b। ठीक है, और यहाँ देखिए ये 3 और 2 5 हो गया और 5 में से माइनस किया 4 तो 1 बच गया और प्लस का ही बचेगा, मतलब कि प्लस b² a, यही आंसर होना चाहिए हमारा। मैं एक बार चेक कर लेती हूँ, माइनस 4a² b प्लस b² a, यस ठीक है आंसर हमारा, ध्यान से कीजिएगा आपका भी सही होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और इस वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन है, चूंकि लंबे लंबे थे इसलिए मैंने केवल 3 क्वेश्चन इसमें लिए हैं। चलिए यहाँ पे भी हम वही काम करेंगे, x² × x² हो गया प्लस x² × 1 को छोड़िए, 1 ही होगा, x² ही रहेगा, यहाँ कर लेते हैं माइनस x³ × x और माइनस x³ × 1 को रहने देते हैं, फिर माइनस यहाँ पे हो जाएगा x × x³ और माइनस माइनस प्लस का x². ठीक है, अब इसको फाइनल कर लीजिए, यहाँ आपका हो जाएगा x⁴ और प्लस x², यहाँ हो जाएगा माइनस x⁴, फिर से x⁴ माइनस x³ और इधर हो जाएगा माइनस का x⁴ और यहाँ हो जाएगा प्लस x², ध्यान से देखिएगा कुछ गलत तो नहीं हुआ है, x³ × x माइनस x³, यहाँ पे x × x ठीक है। आगे चलते हैं, यहाँ पे प्लस का x⁴ दिख रहा है और माइनस का x⁴ कैंसिल हो जाएगा, यहाँ अब आपके पास बच गया एक ये स्क्वायर, यानी कि 2x² हो जाएगा और माइनस x⁴ होगा और माइनस x³ होगा, यही होगा ना, और तो कुछ रहा नहीं, 2x² और 2x, एक मिनट चेक कर लो, यस ठीक है हमारा आंसर 2x² माइनस x⁴ माइनस x³, बुक में आपके दे रखा है माइनस x⁴, चूंकि ये बड़ा पावर है तो पहले कर दिया इनको, और फिर प्लस का नहीं माइनस का लिखेंगे x³ और फिर प्लस का 2x², बात एक ही है, आंसर सेम ही है, ठीक है ना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।